नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज पल इंडिया। आपके साथ मैं हूं काजोल नारायण। शुरुआत करेंगे खबरों की। आगरा पुलिस ने बहादुर बेटियों का सम्मान किया है। बहादुर बेटियों ने यमुना नदी में डूब रहे युवकों को जान पर खेल कर बचाया था। डूबते हुए युवक दोनों बहनों ने यमुना में छलांग लगा दी थी और सकुशल युवकों को बाहर निकाल दिया था। आगरा एसएसपी ने साहस और वीरता उत्साहवर्धन के लिए पुरस्कृत किया है। दशहरे के दिन यमुना स्नान के दौरान डूबते युवकों को बहनों ने बचाया था। देखिए, डॉकी क्षेत्र में नहाते हुए तीन लड़के डूब गए थे गहरे पानी में। ये दो बच्चियां थी और साहसिक बच्चियां कहूँ गई और इनके दो भाई थे। इन्होंने उन्हें डूबते हुए जो तीनों लड़के थे इन्होंने छलांग लगाई, बच्चियों ने भी लगाई, इनके दोनों भाइयों ने भी लगाई और उन्हें सकुशल बाहर निकाला और उनकी जान बचाई। ये बहुत साहसिक कार्य है और इसी काम के लिए मेरे द्वारा आज इन्हें पुरस्कृत किया गया है और इनका उत्साहवर्धन किया गया है और एक ऐसा साहसिक कार्य है जिसकी सर्वत्र प्रशंसा होनी चाहिए। नगर पालिका परिषद चमोली गोपेश्वर में अध्यक्ष पद के उपचुनाव में भाजपा प्रत्याशी पुष्पा पासवान ने कांग्रेस प्रत्याशी नरेंद्र लाल भारती को 1083 मतों से पराजित किया। भाजपा प्रत्याशी को 2671 तक और कांग्रेस प्रत्याशी को 1588 वोट मिले हैं, जबकि निर्दलीय प्रत्याशी सोहन लाल को 176 और नोटा को 14 वोट मिले। मतगणना के दौरान 48 वोट अस्वीकृत किए गए। विधानसभा के बजट सत्र के पहले दिन कांग्रेस ने कई मुद्दों पर सरकार को जमकर घेरा। ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण में सत्र कराए जाने की मांग को लेकर सदन के बाहर सुबह धरना दिया गया। सदन के अंदर कांग्रेस ने जनप्रतिनिधियों के अपमान को लेकर नारेबाजी भी की। सत्ता पक्ष और विपक्ष के मध्य जोर आजमाइश होने पर पहले दिन सदन की कार्यवाही बीच में ही स्थगित कर दी गई। इसके साथ ही प्रश्नकाल के दौरान विधायकों के सवालों के जवाब में मंत्री सतपाल महाराज के होमवर्क में भी कमी नजर आई। बहुत वरिष्ठ विधायक हैं, मंत्री भी रहे हैं, पूर्व मंत्री भी रहे हैं, वर्तमान में किस्सा से एमएलए हैं। उनके साथ, उनके स्टाफ के साथ जिस तरह का व्यवहार, जिस तरह का अपमान देखने को मिला है और सरकार इन अधिकारियों को आज माननीय तिलरा बेहड़ जी ने उन सवालों को सदन में सदन में उठाने का काम किया, लेकिन जिस तरह से माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने और जिस प्रकार से विपक्ष के साथियों ने जो प्रश्न लगाए प्रश्नकाल के दौरान, हमारे माननीय मंत्री जी ने बहुत ही संतोषजनक और ठोस जवाब उनको दिए। हालांकि बीच बीच में जिस प्रकार से विपक्ष अपने स्वभाव के अनुरूप बिना उत्तर जाने वो डिस्टर्ब करने का प्रयास कर रहा था, लेकिन इस बात का संतोष कि माननीय मंत्री जी ने बहुत ठोस और जवाब उनको दिए। और जहां तक गैरसैंण की बात है, अभी चूँकि 310 के तहत उन्होंने अपना विषय उठाया है और माननीय अध्यक्षा जी ने उसे नियम 58 के रूप में परिवर्तित किया है, वो अभी लंच ब्रेक के बाद उसमें शायद चर्चा होगी। सरकारी राशन वितरण में कालाबाजारी को रोकने के लिए खाद्य पूर्ति विभाग बायोमेट्रिक सिस्टम से राशन वितरण करने जा रहा है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली से राशन बांटने के लिए विभाग ने राशन डीलरों को फिंगरप्रिंट की जानकारी देने के लगभग विभाग द्वारा शिविर लगाकर राशन डीलरों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है ताकि गोदाम से चलने के बाद सरकारी राशन अंतिम व्यक्ति तक पहुँच सके। चमोली में अभी तक 791 राशन की दुकानें हैं, पीडीएस राशन दुकान। इनमें से 558 जो विक्रेता है उनको लैपटॉप और इसके अतिरिक्त जो बाकी बचे हैं उनको ई पॉज मशीन वितरित कर दी गई है, जो कि जो भी राशन उपभोक्ता है वो अपना राशन बायोमेट्रिक माध्यम से ही प्राप्त करेगा। इसलिए सभी उपभोक्ताओं को हमारे द्वारा ट्रेनिंग भी दी गई है, उनकी जो तकनीकी समस्याएँ हैं उनका मौके पर ही निराकरण किया जा रहा है। और मेरी सभी उपभोक्ताओं से अपील है कि वे बायोमेट्रिक के माध्यम से ही अपना राशन प्राप्त करें। देहरादून क्षेत्र में एक बलेरो में स्प्रेत गांव के पास दुर्घटनाग्रस्त हो गई। सूचना पर चौकी मालदेवता का फोर्स घटनास्थल पर पहुंचा। एक स्थानीय नागरिक की सहायता से घायलों को अस्पताल पहुंचाया। सभी यात्री सिमराई गांव के निवासी हैं। एक गांव से सुरकंडा देवी मंदिर जा रहे थे और फ्रेत गांव के पास ये वाहन दुर्घटनाग्रस्त हो गया।
देश के युवाओं को सेना में सेवाएं देने के लिए केंद्र सरकार ने एक बड़ी योजना की शुरुआत की है। केंद्र सरकार की ओर से शुरू की गई अग्निपथ योजना के तहत देश के युवाओं को 4 साल तक सेना में नौकरी करने का मौका मिलेगा। योजना के लॉन्च होने के बाद से ही प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक ने संयुक्त प्रेस वार्ता कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार जताया। इस योजना के तहत 10वीं और 12वीं के छात्रों को मौका मिलेगा। यही नहीं, अगर इस नौकरी के दौरान शहीद होने पर शहीदों के परिजनों को 1 करोड़ रुपये की सहायता राशि भी दी जाएगी। सदन की शुरुआत विपक्ष के हंगामे के बीच शुरू हुई, जहां कांग्रेस विधायकों ने गैरसैंण के विधानसभा सत्र न कराए जाने को लेकर सरकार को घेरा। नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने कहा कि सरकार के मंत्री बिना तैयारी के आते थे, इसके चलते विपक्ष के सवालों का जवाब तक नहीं दे पाए। इसके साथ ही विशेष अधिकार हनन के मामले में भी सरकार चुप्पी साधे हुए। वहीं कांग्रेस विधायक अनुपम रावत ने कहा सिंचाई मंत्री किसी भी सवाल का संतोषजनक जवाब नहीं दे पाए हैं। गोरखपुर के 2 अफसर रुपए लेकर गैंगस्टर वीडियो बनाते थे, जो कि वायरल हो गया है। डीएम ने लंबन की स्तुति पेश कर दी है। गोरखपुर में अभियोजन विभाग में रिश्वत लेकर गंगेश्वर बनाने के खेल का खुलासा हुआ है। ये 2 अधिकारी ऐसे थे जो रुपए लेकर लोगों को गैंगस्टर बनाते थे। रिश्वत लेने का वीडियो वायरल होने के बाद डीएम ने दोनों को लंबित करने का संतुष्टि की। अभियोजन विभाग के 2 वरिष्ठ अधिकारी को घूस लेते वीडियो रविवार को इंटरनेट पर वायरल हो गए, जिसके बाद हड़कंप मच गया। हरदोई में आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत 14 जून से 20 जून तक अमृत योग सप्ताह मनाया जा रहा है, जिसको लेकर शहीद उद्यान में जिला पंचायत अध्यक्ष समेत सीडीओ और जिला प्रशासन के अधिकारियों ने इकट्ठा होकर योग किया और स्वस्थ रहने का संदेश दिया। इस योग शिविर में 15 साल के बच्चों से लेकर 80 साल के बुजुर्गों ने योग की बारीकियाँ और लाभ लिया है। तेज रफ्तार बस ने ट्रक में जोरदार टक्कर मार दी, 4 यात्रियों की मौत हो गई है। 29 लोग घायल बताए जा रहे हैं। घायलों की हालत नाजुक बताई जा रही है। घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। बिहार प्रांत के मधुपुरा से पंजाब ये बस जा रही थी। NH28 पर हाटा कोतवाली के बागना चौराहे पर दुर्घटनाग्रस्त हो गई। सरोवर नगरी नैनीताल में भाजपा युवा मोर्चा ने मोदी सरकार के 8 वर्ष के कार्यकाल पूरा होने पर बाइक रैली निकाली। रैली को भाजपा मंडल अध्यक्ष आनंद बिष्ट तथा महिला मोर्चा के नगर अध्यक्ष दीपिका बिनवाल ने झंडी दिखाकर रवाना किया। बाइक रैली तलीताल से मालरूड होते हुए मल्लीताल पंथ पार्क तक पहुंची, जहां पर रैली का समापन हुआ। इस मौके पर दर्जनों बाइक सवार मौजूद थे। भाजपा पार्टी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद के नारे लगाते हुए नजर आए। मेरठ करनाल हाईवे पर अधेड़ उम्र के व्यक्ति को डंपर ने कुचल दिया। अभी तक कुचले गए व्यक्ति के शव की शिनाख्त नहीं हो पाई है। हाईवे पर पैदल जा रहा था अधेड़ उम्र का व्यक्ति, पीछे से तेज आ रही डंपर ने टक्कर मारते हुए व्यक्ति को कुचल दिया। व्यक्ति के पास कई चीजें पड़ी मिली हैं, जिसमें सोने चांदी के आभूषण भी बताए जा रहे हैं। मेरठ करनाल हाईवे के भुनी चौराहे पर यह हादसा हुआ। सरोवर नगरी नैनीताल से लगभग 15 किलोमीटर दूर बसा भवाली अल्मोड़ा मार्ग कैंची के पास महाराज नीम करौली बाबा के मंदिर को दुल्हन की तरह सजाया गया है, जहां 15 जून को लाखों की संख्या में बाबा नीम करौली महाराज के दर्शनों को श्रद्धालुओं को ताता दिखाई देगा। बता दें कि 2 वर्षों से कोरोना की महामारी के चलते बाबा नीम करौली महाराज का जन्मोत्सव सादगी ढंग से मनाया जा रहा था, लेकिन इस वर्ष महाराज नीम करौली बाबा का जन्मोत्सव बड़ी धूमधाम के साथ मनाने का निर्णय लिया गया है। नुपुर शर्मा की गिरफ्तारी की मांग को लेकर हुए बवाल के बाद पुलिस प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है। मुरादाबाद में जुमे की नमाज के बाद हुए हंगामे और प्रदर्शन के बाद पुलिस ने यहां अब तक 40 लोगों को जेल भेज दिया है, तो वहीं 17 तारीख को आने वाले जुमे की नमाज को लेकर प्रशासन अलर्ट नजर आ रहा है। पुलिस प्रशासन ने जुमे की नमाज को लेकर जामा मस्जिद स्थित कोतवाली मुगलपुरा में मुस्लिम धर्मगुरुओं के साथ बैठक की है। बैठक में आगामी जुमे की नमाज को लेकर शांति बनाए रखने की अपील की गई है। मुरादाबाद में किसान संवाद सम्मेलन कार्यक्रम का आयोजन पंचायत भवन सभागार में किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में भारतीय किसान यूनियन और राजनीतिक के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजेश सिंह चौहान पहुंचे। राष्ट्रीय अध्यक्ष राजेश सिंह चौहान ने किसानों से संवाद किया और कहा कि अब भारतीय किसान यूनियन अराजनीतिक का गठन इसलिए किया गया है
ताकि किसान इस यूनियन के माध्यम से अपनी आवाज़ को सरकार तक पहुँचाए। इस मौके पर भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश उपाध्यक्ष महेंद्र सिंह रंधावा, जिला अध्यक्ष चौधरी यशपाल सिंह, मुंडा पांडे ब्लॉक अध्यक्ष ठाकुर शंकर सिंह, तमाम किसान मौजूद रहे। और इसी के साथ फिलहाल खबरों में इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया के साथ।